नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो हलवा, जो खाने में टेस्टी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। मैंगो हलवा बनाने के लिए मैंने एक आम लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसे हम छील लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे छील लिया है। अब हम इसे काट कर छोटे छोटे पीसेस में इसकी प्यूरी बना लेंगे। और मैं गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे देसी घी। अभी हम कढ़ाई के अंदर 3 चम्मच देसी घी डालेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा, हम इसके अंदर डालेंगे सूजी। तो मैंने आधा कप सूजी ली है और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। सूजी को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। हल्का सा ही हमें इस सूजी को भूनना है, बस कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर भूनेंगे सूजी को, हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो सूजी जल जाएगी। बस इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में सूजी का जो कलर है वो चेंज हो गया। आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो गया है। और आम की भी मैंने प्यूरी बना ली है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे आम की प्यूरी। मैंने पूरे एक आम की प्यूरी ली है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है, हाई नहीं रखना है हमें। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। मैंने 5 चम्मच शुगर ली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने बहुत ही अच्छे से आम की प्यूरी को सूजी के अंदर मिक्स कर दिया है और ये कलर में कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो मैं आधा कप दूध ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स कर देंगे। आप इसके अंदर दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने दूध को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है, बचा हुआ दूध भी हम डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा आम की प्यूरी रह गई थी कप में, 1 चम्मच के करीब, वो भी डाल दी मैंने और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ये बचा हुआ घी एक बार और डाल देते हैं, थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब है ये। ज़रूरत पड़ी तो हम 1 चम्मच घी बाद में और यूज़ करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन नहीं छोड़ने लगता और थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। आपको हलवा बनाने पे ही पता चल जाएगा फ्रेंड कि हलवा हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। बस इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी थिक हो गया है, पर अभी ये सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा टाइट है। थोड़े से हम बादाम डाल देंगे। मैंने 5 से 7 बादाम लिए हैं। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर बिना ड्राई फ्रूट भी इसे बना सकते हैं। और अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच घी और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आके फ्रेंड आपको 1.5 चम्मच घी डालना ही है। इससे हलवे में अच्छी शाइन आती है और हलवा खाने में टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, ये कितना सुंदर दिख रहा है और पूरा पैन भी छोड़ रहा है। हलवा हमारा एकदम तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये जितना सुंदर दिख रहा है ना फ्रेंड, खाने में ये उतना ही टेस्टी बना है। बस इसी तरह हमें चलाते रहना है। हलवा बनने के बाद मैंने इसे 1.5 मिनट और पकाया है। बस अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इस हलवे को हम एक बाउल में सर्व करेंगे। तो गैस को बंद कर देते हैं। और इसे बाउल में हम सर्व कर लेंगे।
देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कलर कितना अच्छा आया है। जितना ये दिखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे पिस्ता कतरन से, काजू की कतरन से, बादाम की कतरन से डेकोरेट कर सकते हैं। हलवे को डेकोरेट करने के लिए मैंने 3 बादाम लिए हैं जिसे पतला पतला मैंने काट लिया है। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ मैंगो की क्यूब्स। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। हलवा दिखने में अच्छा लगे आप इसे पिस्ता कतरन से भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कोई गेस्ट आए तो झटपट ये हलवा आप बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। आम का सीजन है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आम का हलवा कैसा बना। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत है दिल से धन्यवाद।